मैं उत्तर प्रदेश सरकार को, वहां के चीफ सेक्रेटरी को, वहां के सीएम साहब को और माननीय गृह मंत्रालय को और राष्ट्रपति महोदय को लिख रहा हूं कि सीमा हैदर की जांच उत्तर प्रदेश पुलिस से वापिस लेकर के हरियाणा पुलिस को नए सिरे से इसकी जांच दी जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इसकी जांच नए सिरे से दोबारा होनी चाहिए। एक एक चीज की, कहां से इसने आधार कार्ड बनवाए, कैसे इसने उंगली के थंब इंप्रेशन लगवाए, किस रास्ते से ये आई, किस प्रकार इसने उल्टी करवाई अपनी बेटी को और हमारे भारत के दो फौजियों को सस्पेंड कराया इसने। कहां कहां ये रुकी, क्या क्या इसका नेटवर्क है, क्या क्या ये करती रही है, इसका मकसद कहाँ है, इसने उत्तर प्रदेश की भाषा को कैसे सीखा, इसने पंजाब की भाषा को कैसे सीखा, हरियाणा की भाषा को कैसे सीखा, राजस्थान की भाषा को कैसे सीखा, और एनसीआर का एरिया इसने क्यों चुना, इंग्लिश में इतनी एक्सपर्ट ये कैसे है, ये भाषण देने में इतनी एक्सपर्ट कैसे है कि एपी सिंह भी इसके सामने फैले नहीं बोल पाता। इसकी दोबारा जांच होनी चाहिए, और जांच होनी चाहिए डॉक्टर एपी सिंह की भी कि क्या उसका रोल रहा है फर्जी आधार कार्ड बनवाने में, भारत की सीमा में एंट्री कराने में इसका क्या रोल रहा है, किसने एडवाइस किया, क्या ये पहले भारत में आकर के रेकी करके जो गई थी, क्या एपी सिंह से ये मिली थी, क्या इसने मीटिंग हुई थी, क्या उसने इसको मिसगाइड किया था, ये सब कैसे हुआ, ये चुपचाप बैठ के देखने का विषय नहीं, जांच का विषय है। आज तक उत्तर प्रदेश पुलिस नेपाल क्यों नहीं गई, क्यों जाके पूछताछ नहीं करी, ये भी तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, पूछताछ क्यों नहीं की गई, करनी चाहिए थी। मैं जल्दी उत्तर प्रदेश सरकार को, गृह मंत्रालय भारत सरकार को, माननीय राष्ट्रपति को एक रिक्वेस्ट देना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश से ये केस वापस लेकर के हरियाणा पुलिस को सौंपा जाए, क्योंकि मामला हरियाणा का बनता है, हरियाणा के अंदर ही इसको सबसे पहली बार पहचाना गया, वहीं इसको अरेस्ट किया गया, बल्लभगढ़ के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, और एफआईआर बाद में दर्ज की गई, अगले दिन एफआईआर दर्ज की गई, जबकि कोई भी मुलजिम जहां पकड़ा जाएगा उसी इलाके के अंदर जो थाना बनता है वहीं पे एफआईआर दर्ज होगी। इसको 3 तारीख 7वां महीना 2023 में जो अरेस्ट किया गया, चंद्रावली नाला बल्लभगढ़ एरिया फरीदाबाद से, और अगले दिन इसकी एफआईआर दर्ज की गई रबुपुरा के अंदर हल्की धाराओं के अंदर। इसका मतलब क्या सेटिंग से एफआईआर दर्ज की गई, क्या मिलीभगत करके एफआईआर दर्ज की गई, ये एफआईआर फरीदाबाद के अंदर क्यों दर्ज नहीं की गई, और जांच का हाल देख लो क्या हाल है जांच का, 1 साल से ऊपर हो गया है। ये हम भारतीयों को रात दिन गाली दे रही है, हमारी बहनों को गालियां दे रही है, हमारी बेटियों को गाली दे रही है, हमारे भारत के वकीलों को गालियां दे रही है, उनको नीचा दिखा रही है, सिगरेट सिगरेट डॉक्यूमेंट ला ला के ये दिखा रही है, कौन लोग शामिल है इनके साथ, क्या जो लोग सिगरेट डॉक्यूमेंट इसको सीमा को दे रहे हैं उन लोगों ने भारत की छावनी जहां जहां आर्मी कैंप है उनके फोटो और वीडियो बना बना करके भी पाकिस्तान में पूछे हैं, इसका मतलब तो उनकी भी जांच की जानी चाहिए। और मैं लिख रहा हूं भारत सरकार को उन लोगों के बारे में कि जो भारत की छावनी जहां जहां आर्मी कैंप है, पंजाब के अंदर है, हरियाणा के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, उनकी फोटो बना बना करके, उनकी वीडियो बना बना के उन्होंने सीमा हैदर को दिए, और सीमा हैदर ने वो कहां पहुंचाई है, ये जांच का मैं विषय है। कौन है ये देशद्रोही, इनके खिलाफ जो है देशद्रोह का मुकदमा दर्ज मैं करने जा रहा हूं। जब आप डॉक्यूमेंट दे सकते हो तो इसका मतलब आपने भारत की आर्मी कैंप्स के नक्शे, भारत की आर्मी कैंप्स के फोटो, भारत की आर्मी कैंप्स के तमाम वीडियो आपने सीमा हैदर को दिए, आपने वो पाकिस्तान में पूछवाए हैं या अपने आकाओं तक पूछवाए हैं जहां जहां उनको जाना चाहिए, आपने भारत की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है, तो क्यों ना आपकी इंक्वायरी कराई जाए बड़े लेवल पे, क्यों ना आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। भारत की आंतरिक सुरक्षा से आपने खिलवाड़ किया है तो क्यों ना आपकी इंक्वायरी कराई जाए। और मुझे पता है कौन लोग हैं, वो पंजाब से हैं, तो उन्होंने तो ये काम किया होगा, उन्होंने अपने ईमान को 101% पैसों के लालच में बेचा होगा, और उन्होंने भारत की आंतरिक सुरक्षा को भी खतरे में डाला होगा। जल्दी लिख रहा हूं मैं और मिल रहा हूं होम मिनिस्ट्री में जाकर के, उनकी इंक्वायरी करवा रहा हूं बहुत बढ़िया वाली, और कौन कौन लोग शामिल है।
उसके अंदर। और एपी सिंह को क्या इंटरेस्ट है कि एक पाकिस्तान की आईवी एक इलीगल ट्रेसपासर्स के रात दिन मक्खी की तरह सामने, एक साल हो गया उसके आगे पीछे घूमते हुए, आगे पीछे घूमता, क्या कारण है? पाकिस्तान से तो और बहुत सारे हिंदू भारत में आए हुए हैं, कश्मीरी गेट दिल्ली में रहते हैं, भोपाल के अंदर है, राजस्थान के अंदर है, कश्मीर के अंदर है, फरीदाबाद के अंदर है, उनके पास तो कभी नहीं जा रहे। एक मुसलमानी का क्या की के पास इसका क्या इंटरेस्ट है? उसको सनातनी सनातनी बता रहा है। अरे सनातनी तो वो हिंदू भाई भी हैं जो धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होकर के भारत में आए हैं, वो हिंदू भाई भी तो हैं, वो भी तो सनातनी होंगे, वो भी तो प्रभु श्री राम को मानते होंगे, वो भी तो हनुमान जी को मानते होंगे, वो जो शिव जी महाराज को मानते होंगे, वो भी तो शिव भक्त होंगे, वो सनातनी नहीं है क्या? या सबसे बड़ी सनातनी ये है जो खूब खूब गौ माता का मांस खा के आई है और अपने जो मैसेज वहां पाकिस्तान में करती है उसमें कहती है कि मैं तो मुसलमान की मुसलमान हूं, मेरे बच्चे भी मुसलमान हैं, जो ना केवल भारत की आंखों में धूल झोंक रही है बल्कि पूरे भारत सरकार की आंखों में धूल झोंक रही है। तो एपी सिंह को ऐसा क्या लालच है, मेरी समझ में नहीं आई बात। एपी सिंह भारत की आंतरिक सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों कर रहा है? आज पूरा भारत का बच्चा बच्चा पूछता है कि क्या कारण है। सनातन पाकिस्तानी सनातनी तो और भी है जो हिंदू भाई है, आज तक आप वहां कभी गए नहीं, एक साल से हर हफ्ते सुबह शाम सीमा 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 सुबह शाम अपनी गाड़ियों में लेके घूम रहे हो, क्यों भाई? एक वकील का कर्तव्य है कि क्लाइंटों को अपनी गाड़ियों में लेके घूमे, होटलों में लेके जाए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करा रहे हो भारत सरकार की परमिशन के बिना। कोई भी पाकिस्तानी भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता। आपको कानून पता नहीं है, वकील हो आप? भारत सरकार और गृह मंत्रालय की मंजूरी के बगैर कोई भी पाकिस्तानी व्यक्ति जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है और ट्रायल फेस कर रहा है या उसकी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, वो किसी भी कैमरे का सामना नहीं कर सकता। सेक्शन 11A इंडियन फॉरेन एक्ट 1946 पढ़ लेना अगर ना पता हो तो, मोमिन कानून बता रहा है आपको। एपी सिंह, भारत सरकार की किस परमिशन के अकॉर्डिंग आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं इसकी, सीमा हैदर की, बताओ? कोई भी पाकिस्तानी भारत सरकार की परमिशन के बगैर एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता। जो एड्रेस उसने दिया है, अगर उस घर को छोड़ के वो तीसरे घर में भी जाएगा तो सबसे पहले पुलिस अधिकारियों को सूचित करेगा, गृह मंत्रालय को सूचित करेगा। अगर मामला कोर्ट में पेंडिंग है तो वो कोर्ट को सूचित करेगा कि जनाब मैं फला फला जगह जा रहा हूं। अगर डॉक्टर के भी जाएगा ना इमरजेंसी, तब भी पुलिस अधिकारी को या उस जांच अधिकारी को जहां उसके पास केस पेंडिंग है और वो केस चल रहा है, उसको लिखित में सूचना देगा कि मैं फला फला डॉक्टर के पास जा रहा हूं और इस टाइम जाऊंगा। उसकी लिखित सूचना को रोजनामचे के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट उसकी रपट को लिखेगा कि आज सीमा हैदर, वाइफ ऑफ गुलाम हैदर और मोहल्ला फला फला रबूपुरा पाकिस्तानी जिसका केस एफआईआर नंबर फला फला है चल रहा है, वो डॉक्टर के पास अपना इलाज कराने के लिए फला फला डॉक्टर के पास जा रही है, इस टाइम पे इतने बजकर इतनी मिनट पर उसको यहां से रवाना किया जाता है उस डॉक्टर के पास, और उसके साथ सरकारी कर्मचारी जाएगा, और जब वो डॉक्टर से आएगा तो डॉक्टर से लिखवा के लाएगा कि क्या बीमारी है, उसकी रिपोर्ट लेगा, और उसकी रिपोर्ट को वापसी जब थाने में आएंगे तो उसको वापसी में लिखा जाएगा कि जो सीमा हैदर इलाज के लिए वो डॉक्टर के पास गई थी जिसकी रपट नंबर 45 है या 46 है, वो वापिस आई है थाने में, और उसी स्थान पर जाके वो कयाम करेगी, उसी स्थान पर जाके वो स्टे करेगी, और डॉक्टर साहब ने यह मुलाजा फरमाया है
कि इसको फला 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 बीमारी है, या ये फला फला टेस्ट की जरूरत है, या ये फला फला उसको दोबारा आना पड़ेगा। ये तमाम बातें कानूनी बातें बता रहा हूं मैं, ये SHO का काम है, ये उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का काम है जो जांच कर रहा है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपको सस्पेंड किया जाएगा। मैं लिखूंगा भारत सरकार को जो आप ये कर रहे हो, अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो। ये AP सिंह की मौसी की लड़की नहीं है, जब मर्जी आओ गाड़ी में बिठाओ, वहां ले जाओ, वहां ले जाओ, वहां ले जाओ। इसका मतलब तो आप इसको जो गाजियाबाद में नेवी का हमारा और जो एयरफोर्स का स्टेशन है, आप तो वहां भी लेके गए होंगे, जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जहां पर कोई पाकिस्तानी जा ही नहीं सकता, वहां पर बोर्ड लगे रहते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया, कोई भी पाकिस्तानी व्यक्ति, कोई भी फॉरनर्स व्यक्ति इसके एरिया के आसपास भी दिखाई नहीं देना चाहिए, वहां पर मनाई है। जो लोग वीजा लेके आते हैं उनको भी मनाई है वहां पर जाना। तो इसका मतलब आप गाड़ी में घुमा करके आप तो सारी जगह दिखा रहे हो उसको कि यहां हमारा एयरफोर्स है, यहां हमारी फौज रहती है, यहां हमारे जहाज खड़े होते हैं, यहां हमारे विमान खड़े होते हैं। तो आप तो देश की सुरक्षा को सिर्फ मीडिया में आने के लिए आपने तो ताक पे लगा दिया। भारत की सुरक्षा को आपने कहां समझा? भारत की नेवी की आपने सीक्रेसी को कहां समझा? आर्मी की सीक्रेसी को आपने कहां समझा? भारत की पुलिस की या भारत की आंतरिक सुरक्षा के जितने भी स्रोत हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उनकी सुरक्षा को आपने कहां समझा? क्या सबूत है किसी के पास कि आप उसको वहां लेके नहीं गए? और इसने आपको बहकाया ना हो कि सर बाहर निकले हो, चलो मुझे वहां भी लेके चलो जहां गाजियाबाद के अंदर, जहां पर उस एरिया के अंदर नेवी का या आर्मी का या एयरफोर्स का वहां पर स्टेशन है, एयरफोर्स स्टेशन है, वहां मुझे घुमा के लाओ। तो ये क्या कुछ नहीं देख रही होगी मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, पुलिस डिपार्टमेंट को क्या हो गया है? कहां तुम्हारी सोच चली गई है? कहां तुम्हारी समझ चली गई है? यह सारा काम मोमिन मलिक का है आपको समझाना बताना कि भारत की सुरक्षा को खतरा है। चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि सीमा हैदर से भारत की आंतरिक सुरक्षा को खतरा है, चिल्ला चिल्ला के आज कह रहा हूं मैं आपको, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, कानों के अंदर रू डाल रखी है। और एक दिन वो आएगा कि आप, भारत की सरकार भी पछताएगी, भारत के लोग भी पछताएंगे, और ये ऑफिसर जो उसको छूट दे रहे हैं, जो लोग उनके साथ लगे हुए हैं, जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी पछताएंगे कि इन्होंने क्या कर दिया। ये वो आम लेडी नहीं है। सारी बात मैं आपको मीडिया पर नहीं बता सकता, मुझे पता है ये कौन है, इसकी सारी मैं जड़ निकाल के लेके आया हूं। ये भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये मैं आपको बता रहा हूं, आज भी बता रहा हूं। इसको जितनी जल्दी जेल में डाला जाए उतना कम है, वरना ये वो नासूर है, ये फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, फैलता जाएगा। हमारी आपस में दुश्मनी हो सकती है, एक दूसरे के खिलाफ हो सकते हैं, एक दूसरे के खिलाफ हम हो सकते हैं, लेकिन जहां भारत की सुरक्षा का सवाल आएगा तो हम सब भारतीयों को, चाहे हमारे विचार अलग अलग हैं, एक होना पड़ेगा। भारत की सुरक्षा सर्वोपरि है, भारत की एकता और अखंडता सर्वोपरि है, यह सीमा हैदर नहीं है हमारे लिए। लेकिन मोमिन मलिक इतनी जल्दी भारत की सुरक्षा को खतरा नहीं होने देगा, खड़ा है, खड़ा है, खड़ा। मुझे आप जो मर्जी इल्जाम लगाओ, जैसे मर्जी इल्जाम लगाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता।